कैसी स्टूडेंट हूँ बता दो लास्ट टाइम। आज ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा दिनों बाद में बना रही हूँ और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा क्यूट होने वाला है। और आज मेरा कॉलेज का कह सकते हैं कि लास्ट डे होगा और आपको पता चलेगा वो क्यों, आगे चल के आपको सारी चीजें पता चलेंगी। और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, अभी बज रहे सुबह के 8:15 और मेरा प्रैक्टिकल है 9:30 कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज पहुंचना है। और प्लीज आज का ब्लॉग पूरा देखना क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। कई रिकॉर्ड चीज सुनो, बताए आपको, बताए मेरे घर में एक छोटू सा मेहमान आया और मेहमान है ये मेरा गुल्लू बिट्टू है। कैसे बहुत क्यूट है, इसकी शक्ल देखो। इसका नाम हमने प्यार से रखा हुआ है गुल्लू, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्ट कॉलेज में, मिलाती हूँ अपने सारे दोस्तों से। 2 hours later. Guys, मैं जानिशी से मिल गई हूँ और पीछे दिखाइए गाइज, आप ये रश देखो हमारे फोटो स्टेट पे, पकड़ लिए पकड़ पहले, जो कि भैया ने बनाया ही नहीं है हमारा। भाई लेट किया मैंने ना, 2 फाइल दी थी मैंने, एक स्पाइरल दी थी, मैंने एक ये दी थी, स्पाइरल तो बनी ही नहीं है मेरे को, इतनी तेज खुंदक चढ़ी और मेरी नहीं दे रही थी, इसकी नहीं दे रही थी मैंने, इसकी दे दी। अब मेरे भैया से लड़ाई हो सकती है और हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है और हमें अभी साइन भी करवाना है अपने इंटरनल वालों से। तो मैं भूल गई थी गाइस, आई एम सो सॉरी। देखो मैंने ना अपने कुत्ते को उठाया था, मेरे को कुत्ते की वो आ रही है, बदबू मत बना, बदतमीज। गाइस को मेरा एक बार आउटफिट दिखा दे, अभी मैंने गाइस को बताया नहीं कि आज क्या है हमारे पास। अच्छा गाइस हमारे कॉलेज का बैकग्राउंड देखो, गाइस अभी कॉलेज बंद रहा है यार, तो पेस्टी करा रही है। गाइस आपको पता है अभी हम लोग आए हैं साइन कराने क्योंकि मेरी फाइल पे साइन नहीं है, और अगर साइन नहीं कराया तो एक्सटर्नल हमारी जान ले सकते हैं, तो इसी वजह से हम ये कराने आए हैं। और सर यहाँ पे लाइन लगा के करो और टचवुड ये साइन कर रहे हैं, नहीं तो बड़े टेढ़े टीचर हैं। सर हेलो बोल दो, लास्ट टाइम व्लॉग अपीयरेंस। सर गाइस ये दीपक सर हैं, बहुत ही ज़्यादा शैतान। गाइस मैं गाइस करो, सर मैं कैसी स्टूडेंट हूँ बता दो लास्ट टाइम। अच्छी हो, अच्छी। सच्ची सच्ची सर अभी सब लोग आएंगे ना, अनामिका अन्ना वगैरह सब आएंगे तो उन लोगों से भी मिलवाऊंगी। गाइस अनामिका अन्ना आ चुके हैं, इन लोगों से मिल लो, पकड़ ले यार घर से। हाँ नहीं अनामिका ऐसे अच्छी लग रही है, ये ब्लॉग में बोलने के लिए बाल खोल दिए। गाइस हमारे कुछ चंद पल कॉलेज में, अभी तक मैंने गाइस को बताया नहीं है कि बेसिकली अभी क्या होने वाला है। बेसिकली मतलब जो होने वाला है, तेरे को पता है तो किसकी तरह दिखती है, मैं ना इंसेंस में गई, एक लड़की तेरी तरह जान से जो बिलिंग नहीं करती वो इसकी तरह नहीं लगती, मैंने बोला मेरी फ्रेंड की तरह लेते हैं।
रही है मेरे व्लॉगिंग के बारे में बात कर रही है। सॉरी व्लॉगिंग के बारे में बात बोल रही है, इसके बात तो करने दे। मारो मारो साउथ इंडियन सी लग रही है, अभी एक्सपोजर बढ़ा दी तो सुंदर कर दूंगी। गाइस मिल तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं कितना प्यार हो, घंटा का प्यार है। मेरे क्यूट बहुत क्यूट है, मैं अपने क्यूट वॉइस में लाई हूं, अपने ब्लॉग में लाई हूं पहली बार। मेरे को लगा कि तू ले आई हो, वो इतना क्यूट है ना। नहीं नहीं खुशी इसमें तो एकदम बढ़िया दिख रही है। गाइस ये दोनों ना बताएंगे कि ये दोनों मुझे मिस करेंगे या नहीं करेंगे, चल बताओ। पहली चीज सुने कर रही है जो मैं जा रही हूं, ऑफ कोर्स ही बात है कॉलेज खत्म हुई है तो हम थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं। अरे यार सो प्यारी बात, तू तो क्योंकि कॉपी पेस्ट अपना अपना बोल, अपना बोल। यू मिस मी मतलब क्या 3 साल मैंने आपकी लाइफ में ही हा हूं किया, वो पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार नहीं था। काजल तिवारी सबके लिखेंगे लेकिन कुछ पे लिखवाएंगे। काजल तिवारी गाइस तुम इसके फीचर्स देखो काजल के, मतलब देखो नीचे दिखा दो मैं पैरडा इसके अंदर ही होगी ना, मैं तो खा नहीं गई। दो फोटो दीदी खुशबू के साथ मैंने वो भी भाई कंटेंट बना रही है, बोल रही है भाई विद्या पढ़ाई कसम भाई जानी किसने रखी है। इस और एक ये फोटो जानी के लिए। यार गाइस आपको पता है मैंने ना खुशबू के लिए भी करवाई थी पर खुशबू की मिल रही हूँ, मुझे इतना गंदा फील हो रहा है ना, पर मैं उसको फेयरवेल पे जरूर दूंगी। हमें कुछ देर पहले इस साइड आ। ये काजू यार इसने हैंड रिटन लिखा है, अनामिका को हैंड रिटन चीजें बहुत पसंद है। वंश के लिए क्या लिखा होगा, डांस पार्टनर। इमोशनल कितने हैं यार खुशी, ये इमोशनल क्यों है भाई, तू पागल है, तुझे ना अहमियत नहीं पता तुझे किसी भी चीज की। हमने 3 साल कैसे निकाले हैं ना हमें पता है कि कितने हंसी मजाक खेल कूद में झगड़ा भी कितनी बार हुआ है। ओ माय गॉड काजल और मेरी लड़ाई का तो भाई वो
जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी ने के आ जाने अब मेरे लिखो चलो सब और मेरी तेरी गंदी होती है लगभग मतलब मैं तेरी बहुत ज्यादा मिस करूंगा बट इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑफ कोर्स ही मैंने बहुत कुछ तो मच हो गया मतलब काफी हाई हो गया यहाँ पे सिस्टम गाइस आपको पता है ये इतनी लड़ाई करता है कि मेरे बारे में इतना बोलता है मैं इस लड़के से ना मैं तो सोचती हूँ ये कॉलेज खत्म हो बात ही नहीं करूँगी गाइस ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं गाइस पता है इन लोगों से बहुत कम बात हुई है पर जब भी बात हुई है इट वॉज नाइस और मैं हर एक बंदे को मिस करूंगी जिससे मेरी आज तक जो भी बात हुई हो और मुझे सब अरे तो यार फेवरेट है तो गाइस हमें ना इस कॉलेज में हम तीनों को थोड़ा देख कर ना मतलब ये तीनों हमारे जैसे तो वो ये आ जाओ गाइस ये तीनों हम तीनों की तरह है क्योंकि हम तीनों पीली की तरह थे पागल बस सही रहे इन लोगों का ओके सब अच्छा रखना और गाइस ये हमारे जूनियर है और बहुत जूनियर है ये जूनियर्स है हां आई थॉट हमारे बैच में थे चलो ठीक जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है तो दे मेरे जाने से नॉटी हो रहा है नॉटी हो रहा है इंस्टा पे मत डाल देना बताओ आपको इसकी टेंशन हो गई या फेमस हो जाओगे गाइस देखो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि इन लोगों के साथ ना मेरी कॉलेज लाइफ ना बहुत ही ज्यादा इजी हो गई मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज में आऊंगी और मैं इतना अच्छा एंजॉय करूंगी और अगर ये लोग नहीं होते ना अर्नव और मयंक तो मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जाती क्योंकि मेरी जैसी वाइब का बंदा मिलना मुश्किल है तुम्हें पता है कि मैं कैसी हूँ इंसान दिल की इतनी अच्छी लड़की है ना जेलेसी नहीं है कोई कॉम्पिटिशन नहीं कुछ नहीं बहुत अच्छी फ्रेंड्स के लिए गाना पुराने एल्बम में छुपा के रखे है ये दिन मैंने सारे ये दोस्त मंजिल ये दोस्त अरे वो लगा लगा हमने यारी यारी तेरी मेरी यारी छुपा के रखे ए हम जब से मिले हैं तब से हम गाना सिखाते हैं कि ये गाने की लाइन है कहते हैं ऐसा बोला करो करो दस दस मिनट बाद ये वाला गाना शुरू हो जाएगा तब गाना गाना मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना गाइस ये देखने के लिए ना 6 से 7 महीने तरस गए थे बस हम दोनों आपस में बात नहीं करते पर साले कुत्ते यार पता है मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी तो मुझे अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद मैंने व्लॉग एंड नहीं किया तो मैं आगे अपना व्लॉग एंड करने और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती क्योंकि मैंने पूरे व्लॉग में मैंने देखा मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके तो भाई आप मेरी शर्ट देख लो मेरी शर्ट पे इतने प्यारे प्यारे नोट्स लिखे हैं ना सब लोगों ने मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि लाइक बहुत लोगों ने तो लिखा है कि मिस पॉपुलर एंड ऑल तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है इन्फ्लुएंसर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ भाई आप लोग लिख के तो चले गए बट आई जेन्युइनली मीन इट ब्रो इन्फ्लुएंसर ऑन टॉप बहुत सारे लाइक इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड बहुत चीज़ें लिखी हैं और बहुत ये शर्ट तो मैं कभी नहीं मतलब अपने से दूर होने दूंगी इसको तह लगा के एकदम अच्छे से रखूंगी मेरी मम्मी ने मतलब इसका क्या करना है इसको धुलूँ मैंने नहीं इसको तह लगा के रख देंगे मम्मी कहती एक शर्ट नाश करा दी
इंडियन मॉम्स गाइस। और फिर उसके बाद ये नामिका का लेटर, भाई साहब ये लेटर तो बहुत इमोशनल था, लाइक 3 साल के फ्लैशबैक्स आ गए ऐसे झट 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 सारे के सारे। भाई साहब थैंक यू सो मच बाबू, मतलब बहुत अच्छा। इसमें इसने यही लिखा है कि वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं आपको पहली लाइन बता देती हूँ, माई काजू माई छोटू माई छोटी माई बाबू माई जान माई बेबी डॉल डार्लिंग एक्सेट्रा पुछी पुछी, मतलब स्टार्टिंग इतनी ज़्यादा प्यारी कर दी, तो आगे का तो आपको पता ही चल सकता है कितना प्यारा है। मैं पूरा पढ़ के नहीं बता सकती तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइज बस इतना ही, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, आई होप आया हो यार, प्लीज़ कर देना लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आप ना प्लीज़ कमेंट में मेरे से ना पूछ लिया करो कुछ भी मेरे से रिलेटेड, कि मेरे लिए आगे के लिए कोई वीडियो बनाने में काम है। आप लोग पूछते ही नहीं हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।